अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल वहाब मतबख। आज मैंने बनाई है झटपट पुडिंग। 5 minutes later. अगर इतनी डिसअपॉइंटमेंट चाहिए तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ इंस्टेंट पुडिंग विद नो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। जो भी आपके पास रखे हैं उसके साथ वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हमेशा घर पे आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मिल्क, शुगर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कस्टर्ड पाउडर, और मेरे पास ये पड़े थे 2 फ्रूट केक के पैकेट्स। मैंने इन्हें यूज़ करके एक यम्मी सी पुडिंग बनाई। ये देखिए, इसी पतीले में से मैंने दूध मेजर करने के लिए वो निकाला था। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसको अब हम करेंगे बॉयल बॉयल बॉयल, जब तक इसमें बॉयल आएगा। इसमें मैंने लिड लगा दी है कि जिससे कि ये फटाफट बॉयल हो जाए। और यहाँ पे है मेरे पास आलमंड्स एंड रेजन्स, और इन्हें मैं करूँगी चॉप। और ये हमारा दूध ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला है। इसमें मैंने थिक क्रीम डाल दी है, क्रीम जो इसमें से मिल्क के ऊपर से ही निकलती है वो मैंने इसमें डाल दी है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 स्पून, और बस उसे मैंने किया है मिक्स। ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे ही है। अभी अभी हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को हमने मिल्क में मिक्स करके, ठंडे दूध में मिक्स करके, बस जैसे कस्टर्ड बनाते हैं, बॉइलिंग हॉट मिल्क में इसे डाल दिया है और जल्दी 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 स्टिर किया है, अदरवाइज़ इसमें पड़ जाएंगे लम्स। इसलिए इसका हमने बहुत ध्यान रखा है और जल्दी 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 इस पॉइंट पे हमें मिक्स करना है, अदरवाइज़ इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और ये देखिए, ये हो गया है। और अब हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स। कस्टर्ड पाउडर को डाले हुए 3 to 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर मैंने डाली है 1/2 बोल, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 1/2 बोल शुगर डाली है और मैं इसे कर रही हूँ मिक्स मिक्स मिक्स। और ये जब तक पूरी डिज़ोल्व होगी तब तक हम इसे बॉईल करेंगे और हल्का हल्का सा स्पून स्टिर करते रहेंगे, अदरवाइज़ ये नीचे चिपकने का डर रहता है। इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत, इतना टाइम भी नहीं लगता है, बहुत फटाफट बन जाती है। और ये अभी है बहुत गर्म, तो इसे, ये देखिए, इट्स वेरी हॉट, इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। अभी हम इसे करेंगे ठंडा। ठंडा होने के लिए अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। और अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास जैम भी पड़ी है, मिक्स फ्रूट जैम, तो चलिए इसे भी यूज़ कर लेते हैं। जैम का बनाया मैंने सिरप। सिरप बनाने के लिए मैंने 2 स्पून भर के जैम ली है और उसमें 1 स्पून वाटर डाल के उसे अच्छे से मिक्स 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 किया है, जिससे कि वो पूरी ऐसे डिज़ोल्व हो जाएगी और एक थोड़ा सा, जैसे वो बहुत ज़्यादा हार्ड सी होती है तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। और इसमें डाल दी मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने, चॉप्ड आलमंड्स एंड रेजन्स, और इसे किया है मैंने अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। और फिर देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। अभी हम ये भी यूज़ करेंगे उस पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अभी हमने देखना है कि हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। कस्टर्ड हो गया हमारा बिल्कुल ठंडा। अब हम इसे कर सकते हैं यूज़। ये लिया है हमने एक पुडिंग बोल। अब हम तैयारी करते हैं अपने पुडिंग बनाने की। तो पहले हम अपने फ्रूट केक निकालेंगे, और फ्रूट केक निकालने के बाद पहले पैकेट तो खुले, तभी तो निकलेगा, खुल ही नहीं रहा है। ओके, फाइनली ये खुल गया। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें से काफ़ी पीसेस टूटे हुए हैं, डजेंट मैटर, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसको, इसके सारे स्लाइसेस हम पूरा
उसके बॉटम में स्प्रेड कर देंगे, पूरी बॉटम में हमें ये वाले स्लाइसेस स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद पहले अच्छे से वन बाय वन हमें पूरे स्प्रेड करने हैं, तो ये अब हम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी सारे पीसेस इसमें टूटे हुए हैं, पर हम इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये अभी हमें यूज़ में आएगा। और अब हमें खोलना पड़ा दूसरा पैकेट, उसकी बॉटम में भी ये स्प्रेड नहीं हो पाया, तो ये हमने कर लिया सारे पूरे बॉटम में ये केक स्प्रेड कर लिया, एक लेयर बना लिए। और अब हम एक अच्छी सी थिक लेयर कस्टर्ड की इसमें डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे पूरे में। हमें ये केक का पीस कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए। ओके, बस ये हो गया हमारा एक और लेयर ऑफ कस्टर्ड, केक के ऊपर लग गई है एक लेयर कस्टर्ड की। अब जो ये हमारे टूटे हुए पीसेस हैं, अब हम इसे यूज़ करेंगे। बस इसे हमने पूरे में स्प्रेड कर देना है, जैसे ये पाउडर्ड फॉर्म में हो गया था वैसे ही हमें इसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, देखा, ये भी यूज़ हो गया, बल्कि हमें एक आध पीस और तोड़ना पड़ेगा। ओके, फिर अब ये स्प्रेड हो गया, फिर एक और लेयर हमें कस्टर्ड की डालनी है। इतने अच्छे से स्प्रेड करना है कि हमें सारे ये हाइड करने हैं, जितने भी हमारे ये केक पीसेज हैं ना, हमें सारे हाइड करने हैं, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि अंदर हमने डाला क्या है। ठीक है, तो ये हो गया अच्छे से स्प्रेड। अब ये जो हमने टेस्टी टेस्टी जैम स्प्रेड बनाया है, ये हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। तो स्प्रिंकल करने के लिए मैंने मेरे पास रखा हुआ था एक स्कूप, तो मैंने उस स्कूप से इसे अच्छे से स्प्रिंकल किया है। देखिए, ये इससे मैं ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकल कर दूंगी। बस हमें करना क्या है, इसे पूरे में हमने जितनी भी हमने अपनी जैम यूज़ की है ना, जितनी भी हमारी जैम बनी है ना, ये सारी हमने इसमें डाल देनी है। अब आप देखो कि आपको कैसे डालनी है। मुझे ऐसे बेटर लगा, मैंने ऐसे डाल दी। और बस ये शॉर्टकट फटाफट वाला मेथड है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। और ये मेरी ऑलमोस्ट सारी जैम यूज़ हो गई है। अब जब सारी जैम डल गई है, पर मेक श्योर कुछ भी नहीं बचाना आपने, कुछ वेस्ट नहीं करना, सारे डाल दो, बहुत टेस्टी लगेगा। ये मत सोचना ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारी डाल दो। ओके, ये देखिए, ये इसका लुक। और अभी बचते हैं हमारे ये ड्राई फ्रूट्स, इसे जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स बचे हैं वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और ये डल गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भी। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक, ये हमारा फाइनल लुक। और अब हम इसे रख देंगे रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना, ये बहुत 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 यम्मी लगने वाला है। और आपके किड्स खा के ये बहुत खुश होने वाले हैं, सीरियसली। अब हम इसे रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, इसे रखूँगी मैं आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। और ये है हमारा फाइनल लुक, लुक एट दिस। एक्चुअली मेरी डॉटर ने मुझे अचानक से बोला कि मुझे पुडिंग खानी है, तो मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने मेरे घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े थे, मैंने उसे यूज़ करके बनाई ये पुडिंग। और मुझे ये काफ़ी टेस्टी और इजी लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको शेयर की। ये एक बार ट्राई ज़रूर करना, दिस इज़ ऑसम। और ये बच्चों की फेवरेट होने वाली है, और आप लोगों की भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है और इतने कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। इसलिए अगर आपको बनाना हो इंस्टेंट कभी भी कुछ स्वीट डिश, जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो, तो आप ये वाली डिश ज़रूर 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 ट्राई करें। एंड आई एश्योर यू
आपको बहुत 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 सारी तारीफें मिलने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि Five minutes later. Oh my God. I'm here. 5 minutes में ऐसे गायब हो जाए तो ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इतनी इजी और इंस्टेंट डिश बताई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। टेक केयर, बाय बाय।